मैं तकरीबन 6 या 7 साल से विंडो लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरे पास है मेरा ड्रीम मशीन एप्पल मैकबुक प्रो। इसकी प्राइस है 2,40,000 रुपये। तो चलिए सबसे पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ये है एप्पल मैकबुक प्रो का कंप्लीट बॉक्स। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर मैकबुक प्रो लिखा हुआ है और यहाँ पर एप्पल का लोगो दिया गया है और इधर भी एप्पल मैकबुक प्रो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इसमें 16 इंच का रेटिना एलईडी बैक लाइट डिस्प्ले दिया गया है जो कि ट्रू टोन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। 2.3 गीगाहर्ट्ज के साथ 8 कोर इंटेल कोर i9 प्रोसेसर दिया गया है और 16 GB DDR4 मेमोरी है, 1 TB SSD है और दोस्तों इसमें HD कैमरा भी दिया गया है, यानी कि 720p का आपको कैमरा मिल जाए। तो चलिए इसके बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको मैकबुक प्रो देखने के लिए मिल जाता है। तो ये है एप्पल मैकबुक प्रो। फिलहाल के लिए तो इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं कि इसके साथ और क्या क्या दिया गया है। तो इस बॉक्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये है यूजर मैनुअल, कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है, इसको बाद में देख लेंगे। और इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर आपको एक पुस्तक मिल जाता है, इसको भी साइड में रखते हैं। और ये मिल जाता है एप्पल का 2 लोगो, ये काफ़ी बढ़िया है। और इसके अंदर एक 96 वाट का USB टाइप सी पावर एडॉप्टर मिल जाता है और इसके साथ आपको तकरीबन 2 मीटर का USB टाइप सी टू USB टाइप सी केबल दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं मैकबुक प्रो की। तो सबसे पहले इसे हटाते हैं और थोड़ा फील करते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये है एप्पल मैकबुक प्रो, यहाँ पर आप एप्पल का लोगो देख सकते हैं और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा स्लिम है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्लिम है। और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये मेटालिक बॉडी के साथ आता है। और दोस्तों आप इसके पीछे अगर देखें तो आपको कुछ इस तरह की फिनिशिंग देखने के लिए मिलती है और चारों तरफ से बिल्कुल प्लेन है। और साइड में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एयर के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी गई है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर 2 थंडरबोल्ट पोर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। और दोस्तों इस साइड भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 थंडरबोल्ट पोर्ट देखने के लिए मिलते हैं और एक हेडफोन जैक देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों आपको कुछ इस तरह का एप्पल मैकबुक प्रो देखने के लिए मिलने वाला है। अगर मैं इसके अंदर के डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक स्पीकर देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर भी एक स्पीकर मिलता है, यानी कि टोटल इसमें 2 स्पीकर्स दिए गए हैं। और दोस्तों आपको एक बड़ा सा टच पैड दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको एक टच आईडी बटन देखने के लिए मिल जाता है। और यहां पर दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको एक टच बार देखने के लिए मिलता है जिससे कि आप बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको किसी वीडियो को प्ले करके दिखाता हूं। अब दोस्तों अगर मैं इस वीडियो को प्ले करूं 2020 का महीना, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी दिखाता हूं। यहां से आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं कि अक्टूबर के महीने में जियो ने भी अपने बहुत ही पॉपुलर प्रीपेड प्लान की कीमत को बढ़ाया था। तो क्या इसको इस तरह से
अब दोस्तों यहाँ से अगर आप चाहें तो नेक्स्ट वीडियो को प्ले कर सकते हैं, और यहाँ से आप प्रीवियस वीडियो को प्ले कर सकते हैं, और यहाँ से आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं इस MacBook Pro के कैमरे की बात करूँ तो आपको 720p HD कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको एक बार कैमरा ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ जाता हूँ लॉन्च पैड में और यहाँ जाता हूँ फोटो बूथ में। अब दोस्तों देख सकते हैं ये है इसके कैमरे की क्वालिटी, तो जो भी है बस यही है। बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन आप मीटिंग वगैरह कर सकते हैं, मीटिंग के लिए ठीक है, लेकिन इससे आप कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों यह है हमारा 16 इंच का स्पेस ग्रे कलर का एप्पल मैकबुक प्रो। तो मैं पहले तो इसे कुछ दिन इस्तेमाल करूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका कंप्लीट रिव्यू वीडियो दूंगा। और दोस्तों आने वाले टाइम में आपको इसी मैकबुक प्रो से वीडियो एडिट होकर के मिलने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।